एक कारें दिखाता हूँ, मैकेनाइज्ड कैसे होती थी। देखो पीछे हिस्सा इस तरह का, ये इसके इंजन रखा हुआ है, नीचे ठीक मतलब गाड़ी की तरह ही थी ये, जो पहले ऊँटों से खींचते थे। ये इसके लाइटें लुइटें लगी हुई है। इसका इतिहास है तुरैया बुग्याटी बुग्योट 1896-96 के अंदर बनी थी ये। क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, 2 सिलेंडर, सारा कुछ आप देख सकते हैं। ये इनके इतिहास हैं। फर्स्ट ऑटोमोबाइल 1892 में शायद बनी थी, ये कुछ लिटरेचर बोल रहा है। हाउ बिल स्मिथ्स बग्गी बिकेम फर्स्ट ऑटोमोबाइल इन 1892। ठीक, ये पुराने ज़माने की कारें हैं साहिब, लोग फ़ख्र से चलते थे इन पे। ये शायद हॉर्न है इसका, ये इंजन है देखो। ये बैठने का है। अब मैं आपको एंटी कारों में लेके चलता हूँ, फोर्ड कार की तरफ। ये फोर्ड की कार है सर, 1896 में हेनरी फोर्ड ने बनाई थी। ये उसकी वर्कशॉप थी हेनरी फोर्ड की 1896 में। फिर ये धीरे धीरे करके फोर्ड मोटर कंपनी बनी, उसकी ये टीम है। ये कैडिलैक की कार थी, कैडिलैक की कारें आज भी आती हैं। ये कैडिलैक की है, क्या लाजवाब है। इसमें वो इंजन होता था, नीचे है इंजन, आपको दिखाऊं दूर से तो इंजन, सॉरी आगे है इसके सीट के नीचे, और वो हिस्सा है पिछला, और ये इसमें बैठने की जगह व्यवस्था होती थी, ये स्टेयरिंग वगैरह। ये फोर्ड की है पहली कार। ये लाइट है, हेडलाइट, हॉर्न, सारा कुछ, ऊपर छत। ये फोर्ड की पहली कार है साहब, 1903 में थी। इसकी हिस्ट्री है, ये फोर्ड को क्या क्या मेडल मिले। इस तरह फोर्ड की कारें हुआ करती थी साहब। उसके बाद बड़ी आई थोड़ी गाड़ी, इसमें पीछे भी शायद ब्रेक लाइट की जगह बत्तियां लगी हुई थी। 1906 में फोर्ड ने यह गाड़ी निकाली। ये देखिए क्लच, ब्रेक, रेस, ये स्टेयरिंग के साथ शायद। ये रेस है शायद, पता नहीं क्या है, गियर का सिस्टम है कुछ, वो बंद करने के लिए होगा। ये एक मीटर लगा हुआ है, हॉर्सलेस कैरिज क्लब का लोगो लगा हुआ है। ये सीटें होती थी सर। अब ये पता नहीं काहे के लिए था, ये हैंडल लगे हुए हैं, दो शायद ब्रेक रहे होंगे। ये इसका इंजन था साहब, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिलेंडर थी साहब। ये इसकी वाटर बॉडी है लग रहा है ऐसा, वाटर पंप। ये पंखा लगा हुआ था, चैन से चलता था पंखा, और वो रेडिएटर था। रेडिएटर देखो उस ज़माने में कैसे होते थे। ये इसकी डिटेल है, ये हॉर्न है। ये थी फोर्ड की गाड़ी साहब 1906 में, और लाइटें क्या जबरदस्त है उस जमाने में। ये स्टेयरिंग था, वो
सेल्फ थी हाथ से स्टार्ट करने के लिए। देखिए लोगो लगा हुआ फोर्ड का, फोर्ड फोर्ड मोटर्स ऐसे ही नहीं बना। ये 1906 की ये गाड़ी है, दूसरा मॉडल देखो उस जमाने में कितने पूरा परिवार चढ़ा हुआ इस पे। '1908 में फिर ये बनी, ये थोड़ी और एडवांस लग रही है। स्टार्टिंग सारी हैंडल से ही होती थी उस ज़माने में, उनमें शीशे नहीं लगे हुए थे 1908 से पहले ना कहीं भी। 1908 वाली में ये शीशा लगा है पहली बार फोर्ड में। और इन गाड़ी बड़ी कर दी है इन्होंने, आगे की सीट और पीछे की सीट करके, मतलब ये ड्राइवर का है वो पैसेंजर का है। और इंजन 4 सिलेंडर कर दिया और छोटा कर दिया, कॉम्पैक्ट इंजन आ गया। देखो मेड इन यूएस फोर्ड 4 सिलेंडर। और वाटर बॉडी को भी इन्होंने छोटा कर दिया। और पंखा जो है रेडिएटर का वो बेल्ट से लगा दिया इन्होंने, चेन नहीं है। और ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह में भी हो सकता है कुछ सुधार किया। और 3 पेडल लगा दिए इन्होंने, 3 पेडल का है क्या मुझे नहीं मालूम। उन्नीस सौ आठ के बाद सारी है शीशे वाली हैं जितनी भी गाड़ियाँ। ये 1912 में बनी है, स्टील बॉडी की, ये पहले लकड़ी की थी। इसमें वो पेडल तो फिर भी 3 है नीचे, शायद एक रेस का होता होगा, क्लच ब्रेक पता नहीं है मुझे ज़्यादा। ये 1904 की है, 4 वाले में भी शीशा लगा हुआ है, नहीं सॉरी 1904 का ट्रेडमार्क है इनका। ये फिर 3 सीटर गाड़ियाँ आ गई, मतलब 3 रो वाली गाड़ियाँ, 4 सिलेंडर ये भी। इनमें इलेक्ट्रिकल चीज़ें ज़्यादा आ गई, देखिए इलेक्ट्रिकल काफ़ी कुछ है इसमें। ये 1923 में फोर्ड रोडस्टर, ये चलती थी साहब 60 से 70 की स्पीड में, ठीक। इसमें लिखा हुआ है माइल, तो मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किलोमीटर के हिसाब से। तो इसमें देखो स्प्रिंग कोयल वगैरह, 60-70 की स्पीड में चलती थी ये गाड़ी उस ज़माने में। तो इसका जो स्प्रिंग देखो किस तरह के हैं, सस्पेंशन ये थोड़ा एडवांस दिया इन्होंने, ये स्पीड में चलने वाली गाड़ियाँ आ गई सर। इसमें तो काफ़ी सुधार है, आगे फिर टंकियां ऊपर आने लग गई बाहर तेल वाली। इनकी लाइटों वगैरह में भी सुधार हुआ, ये कोई और ब्रांड की गाड़ियां हैं। ये सब एंटी कारें हैं इधर, '1907 की ये है जिंजर बर्ड कार।
इसका पैटर्न अलग ही है, लाइटों का, सस्पेंशन का, और जो इंजन है वो देखो किस पैटर्न से बना हुआ है। शायद 4 सिलेंडर है लेकिन डोंकी टाइप में इंजन है ये, जो अफ्रीका में बोलते होते हैं इस तरह के इंजन को डोंकी इंजन, जैसे अपने स्वराज में आता है ना वैसे। इसका थोड़ा सिस्टम कुछ एडवांस लग रहा है। ये कोई मजबूत गाड़ी लग रही है, पट्टे पुट्टे इसमें वो कबाणियाँ उल्टी कबाणी लगा के और डबल सिस्टम कर दिया इसका, सस्पेंशन जोरदार हो गया। ये थी 1911 में विक्की 5 पैसेंजर गाड़ी। विक्की कारें आज भी आती है, व्यू कैंड कोड वगैरह काफ़ी फेमस है इधर, तो ये विक्की गाड़ी थी। ये देखो इसका इंजन, ये तो स्टेरिंग कॉलम हो गया, ये वाल्व हो गए, कनेक्टिंग रोड्स हो गई, कनेक्टिंग रोड क्या, वाल्व रोड्स, ये वाल्व लगे हैं ऊपर, ये शायद वाटर बॉडी है, ये सारा मैकेनिज्म है इसका, देखो सब बहुत पुरानी पुरानी गाड़ियाँ खड़ी है, 1916 की है ये, 5 पैसेंजर वाली। अपने यहाँ राजा महाराजाओं के यहाँ मिल जाती है गाड़ियाँ ये, मैक्सवेल टूरिंग कार 1922 में बनी है, देखो 1906 से 1925 तक बनी हुई थी। क्राइसलर हो गया बाद में इसका नाम, ये क्राइसलर की गाड़ी थी, मजबूत थी भाई क्राइसलर की गाड़ी उस जमाने में। अब ये देखो बड़ी बड़ी तगड़ी तगड़ी गाड़ियाँ आने लग गई जैसे ही टाइम बीता। ये ओवरलैंड की गाड़ी थी, ये मेरे को समझ नहीं आया ये ब्रेक के लिए था या किस चीज के लिए था, ये जो दांते लगे हुए हैं अंदर, ये सब बड़ी होने लगी गाड़ियाँ, काफ़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं ये। ये देखो मेट्रो करके गाड़ी आती थी, मेट्रो ओहायो यूएसए नहीं है, ओहायो की गाड़ी है। ये बम्पर था, देखो उस ज़माने का बम्पर कैसा था, ताकि आगे एक्सीडेंट हो तो ये जंप ले ले, उस हिसाब से बनाया हुआ था। हमारे जीप वालों ने तो एकदम वो लगाया हुआ था लोहे का, जो महिंद्रा वालों ने, ये स्पेयर बैट टायर स्टिपनी, ये पूरी बड़ी गाड़ी सब लग्जरी। कब की क्या है देख लेते हैं, 1924 की है सागी। क्या रेट था उस ज़माने में, क्या डिटेल थी, द मेट्रो मोटर कार कंपनी पिक्का ओहायो। हो क्या बात है, ये है रोल्स रॉयस। आगे का जो बम्पर था उसका भी ये सोच के बनाया हुआ था अभी जंप ले, ठीक। ये रोल्स रॉयल्स होती थी कभी किसी जमाने की, रिम रोम रोल्स रॉयल तो सब गाड़ी है, देखो उस जमाने में ये अलॉय व्हील हुआ करते थे इसके ना, स्पाइक व्हील।